जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कोई भी एक्स सर्विसमैन अगर इस भर्ती में अप्लाई करना चाहता है तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस, जो जो आपको रिक्वायरमेंट होगी इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए, उसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये 79 पेज की जो है वो नोटिफिकेशन है और इसमें काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, उनको मैंने एक स्लाइड में जो है दोस्तों उनका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। तो इस स्लाइड की सहायता से मैं आपको इस भर्ती से संबंधित ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं वो 21 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और इनकी जो लास्ट डेट होगी वो 20 अक्टूबर होगी। मतलब 20 अक्टूबर 2024 तक आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज हैं। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की दोस्तों जो है वो 2022 वैकेंसीज हैं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 वैकेंसीज हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 वैकेंसीज हैं और ट्रेन क्लर्क की दोस्तों जो है वो 72 वैकेंसीज हैं। इस प्रकार दोस्तों, जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट में टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 3445। इसका 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। टाइपिंग टेस्ट, तो दोस्तों सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 3 यानी कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए दोस्तों जो है वो टाइपिंग आना जरूरी है, क्योंकि आपका टाइपिंग का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। बाकी दोस्तों, नंबर 1 कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क की जो भर्ती है इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको CVT 1 और CVT 2 ही देना होगा। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपको कॉल लेटर आपके हाथ में दे दिया जाएगा अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जिसकी वीडियो में इस वीडियो के बाद में लेकर आऊँगा कि अगर आप TT के दोस्तों पद पे अप्लाई करने वाले हैं तो इनमें से कौन सी पोस्ट है जिस पे आपको फॉर्म भरते समय चूज़ करना चाहेंगे, तो इसकी वीडियो दोस्तों सेपरेट आएगी काफ़ी सारी डिटेल्स के साथ में, तो उसको आप ज़रूर देखना। चलिए, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ 10% वैकेंसीज जो हैं वो रिजर्व होंगी एक्स सर्विसमैन के लिए। सॉरी, एज लिमिट नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 33 जो है वो एज लिमिट है और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर दोस्तों 3 साल, 6 साल और 8 साल के जो है एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो जैसे आपकी जितनी भी एज है उसमें से अपनी सर्विस करके, जितनी भी सर्विस करके आप रिटायर हुए हैं उसको माइनस कर दीजिए, उसमें से 3 साल, 6 साल या फिर 8 साल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको माइनस कर दीजिए, फिर आपकी जो एज है वो 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर भी दोस्तों, जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो डिफरेंट मेडिकल स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो उसकी वीडियो भी मैं बाद में लेकर आऊँगा जिसको आप जरूर देख लेना। हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों ओनली 1 RRB के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर RRB में आप एक एक एप्लीकेशन लगा दें, आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी और ऑनलाइन मोड से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों डिटेल्स ऑफ RRB यानी कि RRB की डिटेल दी गई है और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ही ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, इन वेबसाइट पर क्लिक करके आप किसी भी RRB में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एग्जामिनेशन फीस, तो एज सर्विसमैन के लिए एग्जामिनेशन फीस जो है 250 रुपये रखी गई है, लेकिन ये भी दोस्तों रिफंडेबल है। जैसे ही आप CVT 1 में अपियर होंगे आपके बैंक के चार्जेस काट के 250 में से जो भी होगा आपका 10-12 रुपये काट के आपको आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दो जो है वो उसमें कोई परसेंटेज नहीं रखी गई है। आप देख सकते हैं नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन 12th क्लास में होना जरूरी है। उसके बाद में आप देख सकते हैं 50% मार्क्स इज नॉट टू बी इंसिस्टेड अपॉन इन केस ऑफ SC/ST पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑब्लिक एक्स सर्विसमैन। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, 12th पास हैं, तो आपको कोई भी परसेंटेज की जरूरत नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अभी बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम की, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो दोस्तों CVT 1 जो होगा आपका 90 मिनट का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर के आपके 100 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। जैसे दोस्तों आप CVT 1 में शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं, आपके लिए CVT 2 में बुलाया जाएगा, जिसमें दोस्तों टाइम होगा 90 मिनट्स का, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 120। तो CVT 2 होगा आपका 120 नंबर का, यहाँ पर 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क जो है वो दिया जाएगा।
इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी तो ध्यान रखिएगा। सॉरी, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एक्स सर्विसमैन को पता होना बहुत जरूरी है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इन ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। तो अगर आप दोस्तों ग्रुप सी या ग्रुप डी में सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी पद पर जो है वो ऑलरेडी कोई जॉब जो है सिविल एम्प्लॉयमेंट जो है वो आप सिविल के किसी भी पद पे एम्प्लॉय हो चुके हैं पहले से एक्स सर्विसमैन के कोटा का बेनिफिट लेके, तो आप दोस्तों यहां पर एक्स सर्विसमैन के कोटे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन आपको एज में रिलैक्सेशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपको एक्स सर्विसमैन की मेरिट से हटके यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट से आपको मेरिट में फाइट करनी होगी। एक चीज दोस्तों है यहाँ पर कि आपने मान लीजिए किसी भी भर्ती में आपने अप्लाई किया, उससे पहले आपने 10 भर्तियों में और अप्लाई किया, उनमें से किसी भी भर्ती में आपने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तो जिनको आपने ज्वाइन करने से पहले आपने जिस भर्ती में अप्लाई किया था अगर उस भर्ती में से किसी में भी आप जाना चाहते हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा दिया जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इस भर्ती से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहेंगे तो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।